फ्रेंड्स, मैं हूँ अचिंत्य हजरा, एक्स आर्मी आर्टिस्ट फ्रॉम कोलकाता, इंडिया। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आर्टलाइन टीवी को और कोऑर्डिनेटर हरिओम मेहता सर, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरे इंटरव्यू के जरिए कुछ मौका मिला मुझे कि अपना काम शेयर करूं। मैं बचपन से ही पेंटिंग करता था। क्लास 3 से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद क्लास 11-12 में मैं थोड़ा ड्राइंग भी सिखाता था। उसके बाद मेरा जर्नी कुछ इस तरह से, मैंने 12 क्लास पढ़ते पढ़ते मैंने आर्मी ज्वाइन किया था और आर्मी ज्वाइन किया था, इंडियन आर्मी, और आर्टिलरी में मैं गनर था। तो मेरा काम था ये तोपे चलाना, जितने भी तोप है वो हमारा काम था चलाना। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पेंटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता था उस समय। तो कुछ समय बीता, 10 साल लगभग बीत गया, मुझे इतना समय नहीं मिलता था ड्राइंग करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं शुरू किया कि नहीं, यहाँ पे मेरा एंड नहीं है, मुझे ड्राइंग का वो करना है, जो कि मैंने उस समय सोचा था जब 11-12 क्लास में पढ़ता था कि मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन करूँगा। खैर, परिस्थिति के कारण मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया और आर्मी ज्वाइन करना पड़ा। तो ठीक है, तो उसके बाद मैंने 10 साल सर्विस के बाद मैंने फिर थोड़ा ड्राइंग शुरू किया, थोड़ा बहुत एक्रेलिक ऑयल में काम करने लगा। उसके बाद लास्ट 3 इयर्स, मतलब 1 साल पहले मैंने रिटायर हुआ। 2019 में दिसंबर में मैं रिटायर हो गया। आज हो गया 2021 और लगभग 1 साल के ऊपर हो गया। और ठीक 3 साल पहले से मैंने वाटर कलर में फिर से रिज्यूम किया और मैंने फिर से देखा कि मैं कर सकता हूँ पेंटिंग, तो वो सारे ख्वाहिश मेरा पूरा कर सकता हूँ, ये सोच के मैंने फिर वाटर कलर पेंटिंग्स को, खास करके वाटर कलर को मैंने फिर से करने की कोशिश किया। और मैं कंटिन्यू काम करता हूँ, डेली काम करता हूँ। आर्मी ड्यूटीज़ के अंदर भी मैं ड्यूटी के बाद मैं अपने रेस्ट टाइम को यूज़ करके मैं ड्राइंग करता था। और बहुत सारे समय मैंने जैसे आर्मी ड्यूटीज़ में रात भर देता था ड्यूटीज़, तो वो अभी मैं पेंटिंग्स के अंदर यूज़ करता हूँ और जिसके कारण मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि ज़्यादा समय मुझे आर्ट में देने में। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और इतना सारे मेरे लाइफ में बीत गया। मैं 19 साल लगभग मैंने सर्विस किया आर्मी में और उसके बाद मैं ये रिज्यूम कर गया। मुझे काफ़ी बेहद अच्छा लग रहा है कि फिर मैंने दोबारा इस तरह से मैं आ गया इस फील्ड में। फिलॉसफी ऑफ आर्ट कहे तो कि अगर हम चित्रकार है तो हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा दुनिया है और बहुत कुछ कर सकते हैं। बस कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, अपने आप को रोक के नहीं रखना है, प्लान नहीं करना है कि ये मैं करूँगा, बल्कि प्लान ये होना चाहिए करते हैं अभी। तो इसमें विश्वास करना होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम चित्रकार है और कलाकार बनना है तो हमारे पास समय बहुत कम है और हम लेके नहीं जाना है, हम देके जाना है। और प्रेजेंट अभी मैं कोलकाता में नियर 50 किलोमीटर कोलकाता से, तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं हूँ और मेरे एक छोटा सा स्टूडियो है जहाँ पे मैं पेंटिंग करता हूँ अपने रिटायरमेंट लाइफ के साथ। और इसके साथ साथ मैं कई वर्कशॉप अरेंज कर रहा हूँ आजकल और भी अच्छे आर्टिस्टों के साथ। रिसेंटली मैंने ग्रीनवाश जो कि पुणे में किया था, अभी वाराणसी में हम जलतरंग का कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर हम मनाली की ओर जा रहे हैं जून में, या इसी जून में जा रहे हैं हम फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से वर्कशॉप भी प्लान कर रहा हूँ साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ताकि अपना जो भी मुझे अभी तक अचीव हुआ है, जो भी मुझे समझ में आया इस वाटर कलर मीडियम को लेकर के, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ कंटिन्यू। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए मैं अपना काम को रखता हूँ। जो भी बिगनर्स है, वाटर कलर के जो भी स्टूडेंट्स है, उनको जितना मुझे आता है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा सोच विचार ऐसा है कि मेरा खुद का कि यूँ ही पेंटिंग करता जाऊँ, इसी में डूबता जाऊँ, बस करता जाऊँ। जितना करते जा रहा हूँ उतना ही गहरा और दिखाई दे रहा है। बस पेंटिंग करते जाऊँ जब तक मेरा शरीर साथ दे। तो मेरा ये एम है कि मैं बस पेंटिंग करते जाऊँ। चित्रकार हूँ, कलाकार बनना है और सीखते जाऊँ हर किसी से। और कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा कि आर्टिस्ट, बिगिनर्स आर्टिस्ट के लिए, कि आपको थोड़ा सा निकालना है अपने घर से, थोड़ा सा दिन दुनिया जो भी है आपको देखना है, उसे महसूस करना है, उसे समझना है। इन्हीं में से आपको ज़्यादा आपके अंदर कला का उत्पत्ति होगा। आप अगर घर में बैठे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा डेवलप नहीं होने वाला है। और आपको बहुत सारे फॉलो करना है। आप फॉलो बिल्कुल कीजिए, हर किसी को कैसे करता है फॉलो कीजिए। पेंटिंग्स के अंदर वो खूबसूरती क्यों है, कैसे बन रहा है, आर्टिस्ट क्या उसके अंदर अपना टेक्निक्स यूज़ किया है जो हमें वो अच्छा लगता है। और सबसे आखिर में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रेस्पेक्टेड आर्टलाइन टीवी कोऑर्डिनेटर हरिओम मेहता सर को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। अपने इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं अपने काम और अपनी बातचीत शेयर कर पाया। थैंक यू कहना चाहूँगा नेपाल गवर्नमेंट को और नेपाल टीवी आर्टलाइन टीवी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।